सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये आपका हिंदी विषय है और हिंदी विषय में जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 18 पार्ट 18 ऋषि की मात्रा, इसकी हमने रीडिंग की थी और इसका वर्क भी किया था। और आज हम लोग पेज नंबर 54 इसकी रीडिंग करेंगे, जिसमें ऋषि की मात्रा वाले शब्द हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक इसकी रीडिंग करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अमृत आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो नेम है वो है अमृत। अमृत आया, अमृत आया। अमृत कौन है? अमृत एक नाम है, ये है अमृत। एक पिक्चर बनी हुई है एक लड़के की जिसका नाम है अमृत। अमृत आया अमृत के पास घृत पात्र। घृत पात्र, घृत पात्र मीन्स घी का डब्बा, मतलब कि घी का उसके पास एक बर्तन था। उसके पीछे मृग आया। उसके पीछे जो मृग है, मृग मीन्स हिरन, हिरन को मृग कहते हैं। मृग आया, मृग के पीछे एक नृप था। मृग के पीछे एक नृप था। नृप हिरन के पीछे, ये जो नृप, नृप मीन्स राजा, राजा था। नृप मृग का शिकार करना चाहता था। नृप मृग का शिकार करना चाहता था। ये जो राजा था नृप, ये इस हिरन का, इस मृग का शिकार करना चाहता था। जैसे कि आप जानते हैं कि राजा महाराजा जो होते हैं उनको शिकार का बहुत शौक होता है, है ना? तो ये शिकार करना चाहता था। तभी वहाँ एक ऋषि आए। ऋषि, ये ऋषि है ना, ये आपने देखा होगा, पिक्चर्स देखी है। ऋषि, ऋषि मीन्स ऋषि होता है, पढ़ा है आपने। ऋषि, ऋषि मीन्स होते हैं ये श्रद्धालु, श्रद्धालु होते हैं ना, एक बाबा टाइप के, वो ऋषि आए। ऋषि बोले, मृग पर कृपा करो। मृग पर कृपा करो, कृपा मीन्स मतलब कि दया करो। ठीक है, मृग पर दया करो। कृषक और वृक्ष की रक्षा करो। कृषक, कृषक मीन्स किसान, जो खेतों में काम करते हैं उन्हें किसान कहते हैं और कृषक भी कहते हैं। और वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़। कृषक और वृक्ष मतलब किसान की और पेड़ों की रक्षा करो, ऐसा किसने कहा? ऋषि ने कहा। हमारा दूसरा पैराग्राफ है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी आप जानते हैं जहाँ हम रहते हैं, जहाँ सारे जीव जंतु निवास करते हैं, जहाँ पे सारे प्राणी निवास करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी ऐसी होती है, पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी मातृभूमि भारत है। हमारी मातृभूमि भारत है। यह ऋषियों की भूमि है। यह ऋषियों की भूमि है। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा मीन्स होता है बच्चों, मतलब नफ़रत। हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तृप्ति ही सुखों की कुंजी है। तृप्ति ही सुखों की कुंजी है। तृप्ति मीन्स होता है बच्चों, तृप्ति का मतलब होता है मन की शांति। जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है, तब आपको मन की शांति मिल जाती है, आपका मन शांत हो जाता है और सुखों की कुंजी है। तृप्ति ही सुखों की कुंजी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके दोनों पैराग्राफ थे जिसकी हम लोगों ने रीडिंग की है। और ये आपका कुछ वर्क है बुक में,
चित्रों को देखकर शब्द लिखिए। ये चित्र हैं आपके, इनमें इसको देखकर आप लोगों को यहाँ पे शब्द लिखने हैं। जैसे कि ये लिखा घर बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है ऋषि की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है गृह। यहाँ राजा की पिक्चर बनी हुई है, तो राजा को कहते हैं नृप, तो यहाँ हमें नृप भरना है। ये पेड़ बना हुआ है, पेड़ की पिक्चर है, पेड़ पे आपको यहाँ पे जो उसके सामने जो जगह है वहाँ पे हमको लिखना है वृक्ष। और ये किसान है, किसान की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ आपको नीचे कृषक लिखना है, कृषक। और प्रश्न नंबर खा, इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो तृण, ऋण, मृदा, वृथा, ऋषि, कृषि, तृष्णा, कृष्णा, मृदु, ऋतु, वृषभ, ऋषभ। ये वर्क आप लोग, ये कार्य जो है आप हिंदी की नोटबुक में, हिंदी की किताब में ही करना है, सॉरी बच्चों, नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ बुक में ही आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से रीडिंग करिए इसकी, और ये वर्क जो है अपनी हिंदी की बुक में कार्य अपना अच्छे से करिए। धन्यवाद।